नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्राम मांगलिया के जंगल में जानवर चरा रहे ग्रामीणों ने चिता पर शव जलता हुआ देखा, जिसकी सूचना जनपद सदस्य बीरबल डाबर के परिजनों को दी। मौके पर पहुंची बड़गोंडा पुलिस ने चिता से लाश के अवशेष बरामद कर जांच के लिए भिजवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शव महिला का है या पुरुष का ये अभी तक पता नहीं चला है। फिलहाल शव का अधिकांश भाग राख के ढेर में बदल गया है। जानकारी के अनुसार लाश को किसी बड़ी गाड़ी में जंगल पगडंडील तक लाया गया, बाद में घसीट कर उसे जंगल के कोने में कंडों और लकड़ी की चिता बनाकर जला दिया। ग्रामीणों के मुताबिक शव को ठिकाने लगाने में जिन कंडों का उपयोग किया गया, वैसे कंडे आसपास कहीं भी नहीं है, लिहाजा माना जा सकता है कि बॉडी को चुपचाप जलाने के उद्देश्य से साधन के साथ यहां तक लाया गया। इस संबंध में पुलिस अधिकृत रूप से कुछ भी जानकारी नहीं दे पा रही है। वहीं पूरे मामले में DSP दिलीप चौधरी का कहना है कि अभी तक हम भी टॉर्च के माध्यम से जंगल में जा रहे हैं, शव को खाई के नीचे जलाया गया है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक शव पुरुष का लग रहा है, साथ ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या कर शव को यहां जलाया गया है। अगले दिन गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारी ग्रामीण SP भगवत सिंह विरदे, ASP शशिकांत कनकने, SDOP दिलीप चौधरी, थाना प्रभारी अमित सिंह मौके पर पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया और कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सही स्थिति की जानकारी मिलेगी। कल शाम को मांगलिया के एक पशु चराने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने सरपंच को सूचना दी, मांगलिया के जंगल में एक लाश किसी ने जलाई है जिसमें धुआं होता है और कुछ उसका कंकाल वगैरह पड़ा हुआ है। इस पर से मांगलिया के जो पूर्व सरपंच है उनके द्वारा थाना को सूचना दी गई। इस पर से थाने के बल में जाकर वहाँ पर चेक किया तो एक डेड बॉडी जो अभी जल्दी स्थिति में उसका हर कंकाल बचा हुआ था वहाँ पर था, उसको मौके से जो भी चीजें थी उसको जब्त किया गया है। अभी ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कौन है, पुरुष है, कौन महिला है, उसमें जाँच की जा रही है और इस व्यक्ति की ये डेड बॉडी है उसको जलाया गया और किन लोगों के द्वारा किया गया है इसके बारे में भी पुलिस जाँच कर रही है। देखने में कैसा लग रहा था किस ट्रेन चलाना है? नहीं तो कल का ही घटनाक्रम क्योंकि कल शाम के आसपास आठ नौ तक देखा गया है तो संभवतः दिन में 11 से 12 बजे के आसपास उसके साथ ये घटनाक्रम किया गया। सर, ग्रामीण बता रहे थे कंडे भी जो है वहाँ के नहीं है, बाहर से लाए गए हैं, ये विवेचना का पार्ट है पुलिस संबंध में। दूसरा सर, ये जो बता रहे हैं कि गुमशुदगी भी हुई है माऊ थाना क्षेत्र से कई तहसील से, उनको उसके बारे में जानकारी ली जा रही है कहाँ कहाँ गुमशुदगी हुई है।